बड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। चाहते वो हिंदूवादी संगठन, उन पर आम हिंदू को गौर करना चाहिए कि वो हिंदुओं के हितैषी है या हिंदुओं का नुकसान करने का काम कर रहे हैं। अगर हिंदू ईमानदारी के साथ बिल्कुल धार्मिक तासुब को हटाकर अगर एक बार गौर से सोचेगा, गौर करेगा, तो वो इस नतीजे पर यकीनन पहुंचेगा कि जितने हिंदूवादी संगठन हैं, वो विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल हो या इस जैसी तंजीमें हो, वो तमाम की तमाम मुसलमानों का नुकसान कम कर रही है, हिंदू समाज का ज्यादा कर रही है। और जो बेईमानियां हो रही हैं, वो हम मुसलमानों से ज्यादा आम हिंदू तक वो बातें पहुंचाना चाहते हैं कि ये हिंदूवादी संगठन देशद्रोही हैं और हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जी, तो देश का नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ा देश में अफरा तफरी का माहौल है। मुस्लिम बेटियों को भगाने का 2 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा, 3 लाख इनाम दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी, मुसलमान लड़की को लेके आओ, खाने पीने का इंतजाम किया जाएगा, मकान का इंतजाम किया जाएगा। मैं ये कहता हूं कि हिंदू समाज को उन जमातों से ये सवाल करना चाहिए कि हमारे बच्चे जब मुसलमान लड़कियां लेकर आएंगे तो हमारे अपने घर की बेटियां जो हैं वो तो बैठी रह जाएंगी। उन बेटियों का अधिकार है उन हिंदू लड़कों पर जो शादी के योग्य हैं। तो ये हिंदुओं का नुकसान मुसलमानों का नुकसान नहीं है।